फ्रेंड्स, अभी हो गया है दिन का टाइम और आज सारे बच्चों की डिमांड है कि उन्होंने मामा के हाथ के मोमोज खाने हैं। तो आज भाई घर में ही मोमो बना रहा है, तो देखिए उसके लिए हमने क्या क्या सामान लिया है। यहाँ लिए हमने ये वेजिटेबल, ये हैं मशरूम, गाजर और बीन, धनिया पत्ती और बंद गोभी, और ये है प्याज के पत्ते जिसमें थोड़ा सा प्याज भी रहता है वो, और है शिमला मिर्च, और यहाँ हमने लिया है अमूल चीज़, ये देखिए, और लिया है हमने ये जो सोया बड़ी होती है, लेकिन वो वाली जो क्रश्ड होती है वो वाली सोया बड़ी है ये, और ये यहाँ पर हमने इसको अब हम बारीक, ये देखिए हम इसमें चॉप करेंगे इसे, और लिया है हमने यहाँ पर अमूल बटर, और जो चीज़ है वो हमने यहाँ पर ये देखिए इसमें क्रश करके रख दी है, और अब हम ये पत्ता गोभी जो है उसको भी बारीक इसी में, इसमें बहुत अच्छा चॉप हो जाता है एकदम बारीक सा, इसमें चॉप करके रख देंगे, ये देखिए। हितेश कैरम खेल रहे हैं, जब तक मोमोज बनते हैं तब तक ये लोग कैरम खेलेंगे, और जो विनर होगा उसको क्या मिलेंगे, ज्यादा मोमो। ये देखिए ये देखिए इसमें कितना अच्छा बारीक क्रश होता है, इस तरह हम जितनी हमें चाहिए उतनी गोभी क्रश करके रख देंगे। प्याज छिल दिए हैं और इनको भी ये चॉप कटर में बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए इसमें हमने ये जो ऑनियन है ये भी इसमें ऐड कर लिया है, और जो पत्ता गोभी थी वो भी बारीक क्रश इसमें ऐड कर लिए, सब हम ये कटर से कट करके इसमें ऐड कर रहे हैं, और जो सोया चंक्स थे ये भी इसमें ऐड कर लिए, और जो चीज़ था वो भी हमने इसी में चॉपर में चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। इसमें हमने सारी वेजिटेबल चॉप करके सारा मिक्स कर दिया है, इसमें हमने धनिया पत्ती भी चॉप करके ऐड करी है, और प्याज के पत्ते भी वो भी चॉप करके ही ऐड करें, अब सारा मिक्स करके हम इसे रेडी करेंगे इसको। और जो हमने ये फिलिंग के लिए तैयार किया है, चाहे तो हम इसे बटर में थोड़ा सा हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसी तरह भी इसको फिलिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो हम तो इसी तरह यूज़ करेंगे नहीं, हम इसे फ्राई करेंगे। इसमें ये रिफाइंड ऑयल हमने ऐड कर दिया है, और ऐड करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए तो चॉप करके थोड़ा सा लगते हैं इसलिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, अब सब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जितना भी हमने मसाले ऐड किए हुए थे।
करेंगे विनेगर और सोया सॉस लगभग दो ढक्कन, विनेगर ऐड किया है, ऐड करेंगे सोया सॉस, को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये हर जगह पे एकदम से बराबर मात्रा में मिक्स हो जाए। हम ऐड करेंगे बटर, अभी हमारी गैस ऑन है, अभी थोड़ा ये मेल्ट हो जाएगा। ये हमारा ये लगभग 15 से 20 मिनट हमें इसे लगे हैं और अब हम गैस की फ्लेम करेंगे ऑफ और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये गरम गरम हम उसमें फिलिंग नहीं कर सकते हैं मोमोज़ में, उससे क्या होता है कि हमारे मोमोज़ फट जाएंगे। इसे हम गैस से उतारेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक हम अपना डो तैयार करेंगे। तो चलिए करते हैं हम मोमोज का डो रेडी। ये देखिए अब हम मोमोज का डो तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमने लिया है मैदा और लिया है हल्का सा गुनगुना पानी, रिफाइंड ऑयल और नमक। नमक ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो हमने फिलिंग के लिए बैटर तैयार किया है उसमें भी नमक है। हमारा डो तैयार हो गया है लगभग इस तरह का। अब इसे हम आधे से एक घंटे थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसके मोमो रेडी करेंगे। चलिए फिर इसे हम थोड़ा रेस्ट करवाते हैं। कि यहाँ पर हमारा मोमो का डो रेडी हो चुका है तो अब हम इससे मोमो तैयार करेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं मोमोस। आटा रेडी हो चुका है, ये फिर स्टार्ट करते हैं मोमोज बनाना। ये हमने लोई ले ली है और इसे इस तरह करके अब हम इसे जैसे रोटी के लिए बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे, लेकिन थोड़ा पतला रहेगा ये, उतना मोटा नहीं रहेगा।
अब देखिए हम इसमें फिलिंग करेंगे, जो मैंने ये बनाई हुई थी छोटी छोटी सी, इसके अंदर भरना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने एक बार का मोमोज इसमें रख दिए हैं पकने के लिए और ये स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं मोमोज, और अब हम इन्हें निकाल देंगे। और यहाँ हितेश आ चुके हैं क्या खाने के लिए? बटर हमने मेल्ट किया हुआ है और थोड़ा सा इससे काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है मोमोज का। इस तरह थोड़ा इसको इसमें लगा देंगे और ये उस समय भी काम आता है जब हम मोमो स्टीम करने के लिए रखते हैं स्टीमर में। और यहाँ पर ये है म्यूनीस, क्योंकि बच्चों को काफी पसंद है। और ये है, ये तो पैक्ड चटनी है जो मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा ऑयल लगा लिया, रिफाइंड ऑयल, और अब इसमें मोमोज रख देंगे। स्टीमर में हमने रखी है और ये दूसरी ट्रे हम रेडी कर लेंगे। और अब हम इसे स्टीमर में रख दिया है मोमोज, और इसे गैस को कम आंच पे रखेंगे और 20 से 25 मिनट तक इन्हें टाइम लगता है स्टीम होने में। तब तक हम बच्चों को देते हैं जो रेडी हो चुके हैं हमारे मोमोज। वो हितेश भी बताएंगे टेस्ट करके, क्योंकि उन्होंने ठंडा कर लिया अपना मोमो। तो फ्रेंड्स अभी हितेश बताएगा। हितेश का रिएक्शन। हितेश आपको और फ्रेंड्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो ये बर्तनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंट्स में बताइएगा। प्लेट्स है ना? नहीं, आपको नहीं पता होगा। तो मामा के मोमोज बहुत टेस्टी थे, और इस मेथड से आप एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी है, और फिर आप खाते ही रह जाओगे, बार बार ट्राई करोगे। जैसे हितेश रुक नहीं रहे, खाते ही रह रहे हैं। खाते ही रह रहे हैं। ये बात लाइक, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ठोक ठोक के दबाइए। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे भूलिएगा। तब तक ले बाय बाय, हम अपने मोमोज एंजॉय करते हैं। ये देखिए हितेश।